12:30 बज रहे हैं और यहाँ बज रहे हैं 9:45 और सनसेट अभी भी नहीं हुआ। 9 बज रहे हैं भी यार सनसेट। इस चीज़ का बस जेट लैग हो रहा मुझे तो। चलो ग्रेनवेल पहुँच के करते हैं कंटिन्यू। आइडिया हमें फंसाने का था हमारे बनित भाई का। हमने अपनी टीचर को फोन करा जो हमें मतलब हमारे कॉलेज की असाइन टीचर है, वो कह रही है अगर हम फोन करते तो बात भी करती ढंग से। भाई ने रात को 12:30 बजे टीचर को फोन करा, मैम आपने आप हमें लाए हो यहाँ कुछ करो ये वो, हमने आपको 5 लाख रुपए दिए। मैम ने बोला सॉरी बट लगेज उतार लिया ऊपर से, फोन चार्ज कर लिया। सेकंड क्लास की सीट पर बैठे थर्ड क्लास लोग। पहुंच गए भाई ग्रेनेबल पहुंच गए और जा रहे हैं तीनों भाई बाकी दोस्तों के पास जा रहे हैं। चलो पहुंचते हैं। अगर A few moments later. रोड पे जा रहे हैं। देखना यार ये सब तेरी तेरी बदौलत है ओए देबू। होटल में रूम लेंगे भाई अब। ठीक है भाई और भाई लेंगे रूम हम तो वेट करेंगे। सुबह 5 बजे या तो सुबह 5 बजे तक वेट कर लो या रूम ले लो भाई। लो तो यूरो केक पानी था ना और ये भाई मना कर रहे हैं कि हम यहाँ वेट भी नहीं कर सकते। हमने बोला रूम दे दो, रूम के लिए भी मना कर रहे हैं ये हमसे। हमने बोला चलो ठीक है हमारा लगेज स्टोर कर लो, हम जा रहे हैं कहीं और रूम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम बार बार इसको कैरी करके नहीं जा सकते। ये कह रहे हैं उसके लिए भी नहीं है इन पर कोई सर्विस। हमने कैब ट्राई करी 2 बार फेल रिजेक्ट हो चुकी है, बस ट्राई करी 4 बजे की है, अभी 5 बजे की सुबह की बस है और अब हमें पता नहीं हम करें क्या। अब दूसरा होटल देखते हैं हम, इसको भी देखो ऑनलाइन इसमें भी बुकड है सब कुछ ही। नॉन करते पानी दे दे मैं तो पानी की कोई बोतल नहीं है, बॉटल है नहीं, बॉटल तो है नहीं किसी भी चीज़ की, खाली कैन है खाली 2 यूरो का एक पानी का। फुल तो होते हैं बहुत ज़्यादा लोग यहाँ के, इन भाई ने पानी दिया है हमें, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। रात को 2 बज रहे होंगे अभी और थैंक यू ब्रदर फॉर दिस। इसके हाथ में इतना था ये कर पाया क्योंकि इसका बॉस है कोई, वो कहता है कि ना वेटिंग एरिया अलाउड है लोगों को और जब ज़्यादा डिमांड हो तो रूम भी अलाउ नहीं कर रहे। होंगे इन पे एक दो रूम तो होंगे पर दे नहीं रहे। हमने इनको ऑफर करा कि 10,000 रुपये ले लो, 100 यूरो ले लो, रूम दे दो बट रूम भी नहीं दे रहे। तो चलो देखते हैं यार कोई नहीं, रेडबुल ले लो ए सुन, रेडबुल पिएगा। घंटा हो गया है उसने 5 मिनट के लिए बोला था कि 5 मिनट बाद चले जा रहा है आप लोग, हमारे होटल में रूम नहीं है। अब भाई सुबह 5 बजे की 4:30 बजे की बस है, हम 4-5 घंटे के लिए लियोन उतरे थे और एक की नौकरी खा गई। कह रहा मेरी नौकरी चली जाएगी भाई, चले जाना यार तुम, इसको इंग्लिश में नहीं आती और बेचारे को। चलो तो कोई नहीं यार नहीं जाएंगे। यहाँ से आधा घंटा दूर कैब लेके जा रही है 30,000 रुपए में और उसका भी पता नहीं आएगी स्कैमर है नहीं स्कैमर। एक अभी कैब वाला था कंफर्मेशन पे अब्दुल राशिद काड़े की फोटो थी और अफगानी पर रेसिस्ट हो भाई तुम, मैंने देख लिया हर दूसरे को तू कल्ला बोल रहा है।
अंदर भी तो कोई वही तो बैठा है कल्ला। अबे है तो है यार। हम भी साथ, हमारी भी देख ब्राउन चमड़ी है, हम ब्राउन बोलो, हमें ब्राउन बोलो, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, कौन बोलो भाई को दिक्कत थोड़ी है। भाई को जमुना पार का बताओ, करा शंगरी लाए, करा जमुना पार में शंगरी लाए भैंड करें ने, सीपी का जंगरा पार, वो सी की सीपी का शंगरी लाए उठा के, सुन गया फरीदाबाद में लड़ कुछ नहीं है, वो है जुग्गी बहुत बड़ी भाई है भाई हसल है सारे, अभी मैं साइलेंस दे रहा हूँ इसकी चूतिया की दो मिनट के इस बात के लिए। फरीदाबाद में ना इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा है, और एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। अगर तुम ट्रैवलिंग कर रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रखो टाइम पे रहना। अगर हम अपनी ट्रेन मिस नहीं करते ना ग्रेनोबल वाली, तुम अभी अपने रूम में सो रहे होते, पर हमारे साथ कुछ भाई हैं ऐसे प्यारे जो थोड़ा बिजी हो गए थे एक छोटा सा वेप लेने के लिए। Two hours later. मस्त बैठे हैं यही 20 मिनट बोल के मस्त अपने यही बैठे हैं, और कोई कोई नहीं आया उठाने। भाई इसमें जूस होगा, जूस उस कैरी में, जूस को जूस भी होगा, जूस पी लो। अपना ये खा रहे हैं मस्त दिल्ली के पकवान। अब इन्हें बजे अच्छा भैया बजे 2:15, इन्हें में ऑलमोस्ट 6 बज रहे हैं ना, यहाँ 2:15 हो रहे हैं, 3.5 घंटे आ गया या बैठे बैठे 2 घंटे हो गए। और भाई की गांड फट रही है, अब क्यों गांड फट रही है, अब हमारे साथ में ना एक लेडी बैठी है और वो 2 घंटे से बड़बड़ाई जा रही है ना, फोन है उसके हाथ में, ये उसके हाथ में पता नहीं कैसे, या तो क्या पता बात कर रही होगी किससे, पर वो 2 घंटे से भैंचो बड़बड़ाए जा रही है। और लगेज के तुम्हें दिख रहा हो तो, और लगेज को तेरी बैठी है और बड़बड़ाए जा रही है। भाई की फट रही है गांड अब इस बात पे, मेरी कर रहे हैं तब से कैब आ नहीं रही है। हुसैन इंडियन नहीं है ये, इस्तानबुल का लग रहा है मेरे को। अब सोच रहे हैं कि 2 कैब कर ले अलग अलग, बहुत भाई अगली बार से ना इतना लगेज नहीं लाना, 2 बहुत है, 1 महीने के टी शर्ट फोल्ड कर लो 25-30। सो रहा था, हाँ सो के अभी उठे हैं जस्ट भाई, और भाई भी सो के अभी उठे हैं, और हम आ गए हैं हॉस्टल में जो कॉलेज वालों ने हमें दिया है। अंदर का भी तो इतना कभी खास नहीं है, पर ये मिला है भाई, पर कह रहे हैं कि ये वाला तो स्विट्जरलैंड है, पर लेट्स सी कल जाएंगे इधर भी, व्यू बहुत प्यारा मिला भाई, देखो जो बात है जेन्युइनली व्यू बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि बादल सब साफ है, टेम्परेचर बहुत सेक्सी हो रहा है, ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा बहुत ही ज्यादा गर्मी, मीडियम टेम्परेचर है। और भाई को अभी एक ही चीज चाहिए बस, इन भाई को भी जिस हिसाब की स्माइल आई है ना दोनों भाइयों के चेहरे पे, इनको पूरे महीने नहीं मिलेगी वो। चलो व्यू तो मिल ही गया खैर, पर ठीक है भाई बढ़िया व्यू है। डिसाइड कर रहे भाई अब चलना है कहीं, नहीं चलना है भाई, चलना है लेकिन भाई क्लासें भी लेंगे साथ में, क्लासें अरे क्लास में क्या जरा यार व्यू का जो व्यू है पता कहीं और को भी दिखा के ला रहे हो ऐसा ही। चलो स्विट्जरलैंड चलो फिर एक दिन के लिए, इससे सबसे पास है तो यार उनके बाद हम एक्स्ट्रा भी तो रुकेंगे, अब दिखाते हैं आज का रुक में, हम लोग रुक लेंगे लेकिन बोलो ना पूछा मेरे से कौन था मेरा बुढ़वा वाला ना। One eternity later. भाई अपना पास्ता बनाया है भाई, और दाल ही हल्दीराम के लिए गए थे हम दाल, और सबसे बढ़िया चीज वर्थ इट भाई बेस्ट। एक रूम में बेडशीट नहीं है, टिश्यू पेपर नहीं है, टॉयलेट पेपर नहीं है, ओपन चलते हैं और अब इनको 10 मिनट समझा लूँ समझ ही नहीं आ रही, इंग्लिश में बोल दिया फ्रेंच में भी समझा दिया ऐसे तो
इसे फ्रेंच भी समझ नहीं आ रही, इसको हमारी कॉलेज की रिजर्वेशन दिखाती वो भी समझ नहीं आ रही भाई को। ताऊ है जा रहे हैं, ताऊ लेके जा रहा, ताऊ ताऊ बना हुआ एक शब्द भी हिंदी। और कितनी देर है, 8 मिनट पहुंच जाएंगे। नींद आ रही है घड़ी, सोए ना हो सुबह सुई सुबह सो गए बहुत ज्यादा नींद आ रही है बहुत ज्यादा सोइए थोड़ा टाइम आने में 8 मिनट सो लेगा तू। एक इंडियन रेस्टोरेंट और एक इंडियन वो यार ग्रोसरी शॉप बहुत आ रही है, परफेक्ट इंडियन स्पाइसेस वगैरह सब कुछ के लिए। तो देखते हैं क्या क्या मिलता है उसे। बाकी एक दोस्त आ रही कल पेरिस, तो उससे मंगाया काफी सारा खाना वाना। और अंकल ने भाई प्रिंट करा रखी है भाई, बढ़िया चीज लगी मुझे। थोड़ी ग्रोसरी खरीदने आए भाई, ग्रेनेबल में पहला दिन आज, तो आज मैम हमें हेल्प कर रही है ग्रोसरी खरीदने में। कुछ भी ऑप्शन नहीं है वेजिटेरियन में, ना के बराबर है ऑप्शन वेजिटेरियन में, ना के बराबर। इनको इनको हिंदी आती है जो मैम है, जो हाँ मैम है इनको हिंदी आती है। अच्छा पाकिस्तान, ओ यस मैम। भाई डे 5 और यहाँ बैठे अपना मस्त, रात में 2 बज रहे हैं और देव भाई को लग गई थी भूख, तो अपने करी मस्त दाल जय हल्दीराम की, दाल गरम करी और राजमा गरम करे और परांठे लाए आज भाई वहाँ सू ग्रेनोबल के बीच सू, क्या उसका अपना बाजार, कौन सी दुकान थी वो? अपना मार्केट। हाँ हाँ भाई परांठे दिए ये वन है 2-4 4,000 रुपये के। देव भाई ने कह दी परांठे ही खाऊंगा मैं, हमने भाई मना नहीं करी भाई, ऐसी ही थी नहीं थी, खाओ खाओ भाई हम पे तो जम होंगे ना ये।